कांकेर जिले से खबर सामने आई है जहां विधायक पुत्र बताकर युवा कांग्रेस नेता मनोज बड़ाई और विधायक को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। बता दें कि दलसुराम करगामी निवासी पिंकसा में बांदे थाने में दिए गए आवेदन को वापस लेते हुए बताया कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने आवेदन देने को कहा था। वहीं दलसुराम करगामी ने बिना पढ़े ही लिखित शिकायत बांदे थाने में दे दी थी। किसान का कहना है कि उसने पंजीयन में गड़बड़ी और धान के पैसों को लेकर फर्जी तरीके से थाने में शिकायत कराई थी। पंजीयन के बारे में, पंजीयन क्या हुआ? मेरे पिताजी नाम से था, मेरे नाम से। हाँ, गड़बड़ी हुआ क्या कहीं? वही गड़बड़ी में हमको जवाब दिया। कौन दिया? पत्रकार। क्या बोला? वो डबल तेरा पंजीयन हुआ बोला। अच्छा, और क्या बोला? और कुछ बाद में आके बोला, अगर इसमें केस नहीं करेगा तो तू जेल जाएगा बोला। ऐसा तो आवेदन पढ़े थे आप? नहीं पढ़े। मैं कोई विधायक पुत्र नहीं हूँ, मेरे ऊपर साजिश किया गया है ये कि विधायक पुत्र बनकर किसानों से ठगी और फर्जी वाला पैसा खाया गया करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये पूर्व विधायक विक्रम उसेंडी यहाँ पर आकर किसानों से, किसानों को मालूम भी नहीं उनके नाम से थाने में शिकायत किया गया और उनसे जबरदस्ती साइन करवा के FIR दर्ज कराने का ये करा गया। सरासर ये है, मेरे को राजनीति सभी को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है।